अरे आ शू थई रहू छे, अरे अपनी मधुमक्खियों को संभालो ना। अरे आने पहले बाजू करो, मैं तो इनको संभालता संभालता लेके आ रहा हूँ, पर आप बार बार इनको बत्ती जला कर परेशान करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नीचे ठीक है। हाँ चल चल, एक मिनट, मुझे बोलो छू, जैसा मैं बोलूं वैसे ही करना। पहले मधुमक्खियों का मुकाम होगा मोतियों का मंदिर, वहां से उन्हें दूसरे कमरों में जाने में आसानी होगी। भाभी हाँ, ये कोई ट्रेन सिपाही थोड़ी है कि तुम्हें लेफ्ट बोलो लेफ्ट जाए, राइट बोलो राइट जाए। ये भयानक मधुमक्खी छे, एक बार घर में घुसी तो पूरे घर में फैल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है चल। अपन भाभी आप बदू तुम्हें केम कर गए छो? मोतीलाल भाई आपको पैसा मिला है ना काम का, तो बस पोतानु काम करो। वैसे भी कभी किसी ने सुना है कागड़ी को मधुमक्खी ने काटा हो? कागड़ी किधर है? उतर उतर चलो चलो उतर चलो। श्रुति भाभी वो आवाज, अरे भाभी आ तो आज छिड़कनी आवाज छे। अच्छा अच्छा रखो रखो। श्रुति भाभी मारी दिकरी राशि। एक मिनट, तुम्हारा फोन है। हाँ? फोन तुम्हारा। राशि दिख रहा? मैं तुम्हारे घर में मधुमक्खियां छोड़ रही हूँ। कौन मधु? पूरी कतीड़ी चुप, शोर मत मचा। और मधु नहीं मधुमक्खियां, और वो भी मंदिर की तरफ। क्योंकि जब काकड़ी उठ के अपने श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ने जाएगी तो डंक मार मार के मधुमक्खियां उसका मुंह सुझा देगी, समझी गई? अरे हाँ, ध्यान दे। अपना कमरा बंद रखना, कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद रखना, समझी गई? मम्मी लेकिन आप खिड़की पर क्यों खड़ी हो? अरे मारा ठाकुर जी, मैंने कहा तू अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद रखना, वरना मधुमक्खियां तुझे डंक मार देगी, समझी? क्या हुआ? नहीं वो मधु आई है। भाभी खिड़की खोल के मधुमक्खी डाल दो अंदर। हाँ। भाभी हाँ, मेरा पैसा, आधा पैसा दिया है ना? हाँ, बाकी काम खत्म होने के बाद चलो काम, चलो चलो चलो। जल्दी से उठिए, मधुमक्खी है, खिड़की खोलिए और अपना चेहरा ढक लीजिए जल्दी और बाहर चलिए। मोटा भाभी इतनी सारी मधुमक्खी, मीठी लाइट चालू कर, इतनी सारी मधुमक्खी, कृष्ण भगवान, मोटा भाभी बाथरूम में
गोपी, अब तुम बाहर मत निकलना, बाहर मधुमक्खियां आ गई हैं, जब तक मैं ना कहूं। जी हम जी। गोपी, गोपी बाहर निकल। गोपी, मीठी मीठी, जल्दी से रसोड़े का दरवाजा बंद कर दे। नानी भाभी, मैंने रसोड़े का दरवाजा बंद कर दिया है। कोकिला, राशि और जिगर, बोलो। मोटा भाभी, लगता है वो अपने कमरे में ही है, पर अच्छा है ना, वरना मधुमक्खियां उन्हें भी काट लेगी। अहम, तुम उन्हें फोन करके बोल दो कि कमरे के अंदर ही रहे। जिगर। हाँ भाई। तू रूम से बाहर मत निकलना, पूरे घर में मधुमक्खियां आ गई हैं। राशि, दरवाजा मत। जिगर जी, क्या चलो चलो, सब बाहर चलते हैं, इससे पहले की स्थिति और बिगड़ जाए, हम लोग बाहर निकलते हैं। पर काका, जाएंगे कहाँ? बेटा पहले बाहर तो चले, फिर सोचते हैं कहाँ चलना है। वैसे भी घर में मधुमक्खी कहाँ से आ गई पता नहीं। चलो चलो चलिए मोटा भाभी। अब तक तो मधुमक्खियों ने कागड़ी को काट लिया होगा और वो दर्द के मारे काओ काओ कर रही होगी। साथ